नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंग्रेजी पढ़ने के नियम भाग छः। भाग छः तो इसमें है आपका कि क्यू यू का क्या उच्चारण होते हैं। तो हमने यहाँ पे उच्चारण लिखे हैं कि क्यू यू का उच्चारण आता का और वाह होता है, और दूसरा उच्चारण क्यू यू के बाद का होता है, या फिर इसी में ई जुड़ा हुआ हो तो भी का होता है। ये दो स्पेशल इफेक्ट हैं, इसके अलावा और ज़्यादा होते नहीं हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो क्यू और सॉरी का और वाह, तो कैसे, जैसे ये लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, क्वीन पढ़ेंगे, तो आधा का और वाह, तो ये क्या है, क्वीन है ना। इसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे तो क्विज, क्विज इज, इज आना चाहिए, आई जेड इज, क्विज, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो रिक बेस्ट, तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिखेंगे रिक बेस्ट, है ना। चलिए आगे देखें, क्विक, अब आप यहाँ पे देखें कि हिंदी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको है ना हम पढ़ते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि पढ़ते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। आप हिंदी में कैसे, जैसे आप बावन का उच्चारण ले लीजिए तो वाव ना बन पढ़ते हो, लेकिन यदि आपको दाव पर लिखना हो तो क्या करोगे। तो अब यदि हम बोलें तो हम बोलते हैं दाओ, तो ये होता है दाओ, लेकिन लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं ये वा बन का, अब वा बन का वो कैसे बदल गया, है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप कहो कि हम स्कूल लिख के बताएं तो स्कूल ऐसा लिखा है, होता है स्कूल, पढ़ के देखो स्कूल ही लिखा है, लेकिन क्या इसका ई नहीं रहता, ये होता है स्कूल, बोलने में और लिखने में फर्क हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़े, इसी प्रकार से क्यू यू को हम कहीं कहीं का भी पढ़ते हैं, और यदि ये भी लगा हो तब भी हम इसको का ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए, तो ये लिखा है लिख कर, ठीक है, क्या लिखा है लिख कर, फिर ये क्या लिखा है यूनिक, फिर ये क्या लिखा है मॉस्क, और फिर ये मॉस्किटो। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमने केवल का उच्चारण किया है का, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे देखिए, तो ये क्यू यू के उच्चारण आपके कंप्लीट। अब आपके एस के उच्चारण क्या क्या होते हैं तो हम सीखते हैं कि यदि आई एस जुड़ा हो किसी शब्द में या एस एम जुड़ा हो, ठीक है ना, तो तब इनका उच्चारण ज्यादातर जा होता है। क्या होता है जा, एस के उच्चारण तो हमें पता है, जो भी हम शब्द पढ़ेंगे ज्यादातर ऐसा आ जाएगा, लेकिन जा कहाँ होता है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, ये जो है आपका यहाँ पे देखिए एडवाइज, एडवाइज, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ये फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, इसी प्रकार से ये विजन, ये डिसमेल, ये प्रिज्म, ज्यादातर क्या बोलते हैं प्रिज्म, क्या होता है प्रिज्म, बैग्ज जा, रेज बिजी, कॉस्मिक सॉरी कॉजमिक, कॉजमिक, और सूज। अब यहाँ पे इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके लिए क्या मिलेगा, आई एस, यहाँ पे आई एस, यहाँ पे आई एस मिल रहा ना, या फिर एस एम करना है तो देखो एस एम, एस एम, ज्यादातर ये होता है कि इनको हम एजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डबल एस के बाद यदि आपका आई ओ एन हो, डबल एस के बाद यदि आई ओ एन हो तो हम इसको सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सन पढ़ते हैं, कैसे देखो, ये डबल एस के बाद आपका क्या है आई ओ एन, ये डबल एस के बाद आपका क्या है आई ओ एन, ये डबल एस के बाद क्या है आई ओ एन, अब इसको क्या पढ़ना है आपको सन,
तो ये क्या है मिशन, ठीक है, ये क्या है पैशन, और ये क्या है सेशन, क्या है सेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि एस आई ओ एन के पहले यदि कोई स्वर आता है, याद रखना एस आई ओ एन के पहले यदि कोई स्वर आता है तो हम उसको जन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जन, और यदि स्वर नहीं आता है तो फिर हम उसको सन पढ़ते हैं, जैसे कि ऊपर पढ़ लिया था। चलो और भी देखते हैं अच्छे से ध्यान से कि एस आई ओ एन के पहले कोई स्वर आता है तो हम उसको जन पढ़ते हैं, नहीं तो सन पढ़ते हैं। कैसे, जैसे देखो एस के पहले, एस आई ओ एन के पहले क्या है यू है, क्या है यू है, तो अब इसको आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, अच्छे ध्यान से देखना, तो ये है इल्यूजन, क्या है इल्यूजन, ये विजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये इसके एस के पहले क्या है एन, यानी ये स्वर नहीं है, है ना, और इसके बाद देखिए ये नहीं है, इसके बाद देखिए ये नहीं है, यानी इसे पे हम क्या पढ़ेंगे सन, तो ये क्या हो गया बेंसन, टेंसन, रिवल्सन, है ना। चलिए हमने देख लिया, अब यहाँ पे ये डबल एस की बात है, इस वजह से इसको हम नहीं गिनेंगे, डबल एस की बात हो रही है, नहीं तो आप कहो कि ये तो आपने एस कहा था तो एस के पहले ऐसी है ना, फिर एस के पहले ऐसी है, तो ये क्या है आपका व्यंजन है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए ऐसी यदि आपके लिए जहाँ कहीं भी मिले तो उसको हम शाही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सा, कैसे साइंस, है ना, सीन, सीनरी और सेंट, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या निकाल रहे हैं सा, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो एस सी के बाद यदि आपका ए मिल जाए या ओ मिल जाए या फिर यू मिल जाए तब इसका उच्चारण क्या करेंगे आधा सा और का करेंगे, आधा सा और का करेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा ये, तो एस सी ए आर ई, तो इसको बोलते हैं स्कैर, तो आप देखिए आधा सा और का है, आधा सा और का, इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, तो इसको भी हम देखें तो आधा सा और जी आपका का, ओ की मात्रा और जी रा, तो ये क्या हो गया स्कोर हो गया ना, तो आपका क्या आधा सा और का, आधा सा और का, है ना। इसी प्रकार से और देखो तो रेस्क्यू, है ना, उसी प्रकार से आपके फिर और एग्जाम्पल मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। चलिए अब इसके एक्सेप्शन भी देख लें, एक्सेप्शन यानी अपवाद, तो आपके क्या बताया है कि एस सी के बाद क्या ए ओ या यू होना चाहिए, लेकिन आपका क्या है आर है एच है इस प्रकार से है, तब आप ये क्या करेंगे, तो अभी आपको इसको यही पढ़ना है, जैसे स्क्रीन है ना, स्कूल, अब आप इसको लिखना चाहें तो स्क्रीन कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से हम स्क्रीन लिखते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आधा सा और ये का है ना। चलिए अगला देखते हैं, एस के बाद यदि आपका टी आई ओ एन हो तो इसको हम चन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं चन, अब एग्जांपल देखो ये लिखे हुए, इसको क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं होता क्वेश्चन, है ना, डाइजेशन और ये सजेशन, है ना, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से पढ़ना भी सीख सकते हैं और ये नियम याद रहेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद और भी नियम आपके आने वाली वीडियो में बनाऊंगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।